हाँ देखिए, और कक्षा 11 गणित में हम लोग त्रिकोणमिति फलन में त्रिकोणमिति समीकरण पढ़ेंगे। ये लास्ट मतलब अंतिम टॉपिक है त्रिकोणमिति फलन का, उसको आज हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो त्रिकोणमिति समीकरण क्या होता है? तो त्रिकोणमिति समीकरण ऐसा मतलब कि ऐसा समीकरण जिसमें त्रिकोणमिति फलन हो और उसमें एक चर उपस्थित हो, मतलब त्रिकोणमिति फलन हो और उसमें एक चर उपस्थित हो, तो ऐसे समीकरण को हम लोग त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, ऐसा समीकरण जिसमें त्रिकोणमिति फलन त्रिकोणमितीय फलन फलन जिसमें एक चर जिसमें एक चार उपस्थित हूँ, ऐसा समीकरण जिसमें त्रिकोणमिति फलन जिसमें एक चार उपस्थित हो, त्रिकोणमिति फलन हो उसे त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। द्वितीय समीकरण कहते हैं। तो त्रिकोणमिति समीकरण का एक परिभाषा हो गया, मतलब ऐसा समीकरण जिसमें त्रिकोणमिति फलन उपस्थित हो और उस फलन में एक चर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। ठीक, तो त्रिकोणमिति समीकरण है तो उसका हल भी होगा। जब त्रिकोणमिति समीकरण है तो उसका हल भी होगा। हल क्या होता है? चर का वह मान जो उस समीकरण को संतुष्ट करे। हल क्या होता है? चर का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। तो उसका भी परिभाषा मैं लिख देता हूँ, त्रिकोणमितीय समीकरण का हल, इसका परिभाषा क्या है? चर का वह मान, चर का ऐसा मान जो समीकरण त्रिकोणमितीय समीकरण त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करे, संतुष्ट करे उसे उसे उस समीकरण का हल कहते हैं, समीकरण का हल कहते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे त्रिकोणमितीय समीकरण का जो हल होता है उसको हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे। उस हल को दो भागों में बांटा गया है। इस हल कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। यहाँ पर बात देने वाली यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, त्रिकोणमितीय समीकरण का हल जो है उसके दो भाग हैं। एक होता है मुख्य हल, एक होता है व्यापक हल। क्या होता है? तो मुख्य हल क्या होता है? उसमें जो चर होता है, तो चर का मान जैसे मान लो एक्स है, चर क्या है? एक्स है। तो चर का मान क्या होगा? जीरो से लेकर एक्स से टू पाई के बीच में होगा। जब चर का मान जीरो से लेकर टू पाई तक के बीच में होता है तब उस हल को हम लोग मुख्य हल कहते हैं। अब व्यापक हल क्या होता है? व्यापक हल में समीकरण के मतलब चर के अनेक हल मतलब अनेक मान होते हैं, समीकरण के जो है अनेक हल होते हैं। अनेक हल का मतलब कि जैसे त्रिकोणमितीय समीकरण है उसमें जो चर होता है उसका बहुत अधिक मान के लिए वह समीकरण संतुष्ट करता है, तो ऐसे वो व्यापक हल होता है। क्या होता है? व्यापक हल मतलब कि त्रिकोणमितीय समीकरण के अनेक हल ज्ञात करने वाले अनेक हल प्राप्त करने की विधि वो व्यापक हल में आता है। मुख्य हल में क्या होता है? केवल जीरो से बड़ा एक्स, एक्स से बड़ा टू पाई। अच्छा, इसका एक उदाहरण लिख लेते हैं हम लोग, त्रिकोणमितीय समीकरण का उदाहरण उदाहरण में आप लिख लेते हैं। जैसे उदाहरण से साइन एक्स बराबर हम लिख दिए अंडर रूट 3/2, तो साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2 होता है। साइन 60 अंश का मान अंडर 3/2 होता है, उसमें 360 जोड़ दोगे तब फिर जितना आएगा उसका भी मान अंडर 3 होता है। फिर 360 जोड़ दोगे तो जितना आएगा उसका भी
मान अंडर थ्री और पांच होता है, तो एक्स का ऐसे ढेर सारा मान होता है जो इसको संतुष्ट करता है, समझ में आया ना। इसीलिए हम लोग हल को दो भाग बांट लिए, पहला मान जो जीरो और टू पाई के बीच में हो उसको हम लोग मुख्य हल करते हैं, जीरो और टू पाई के बीच में जो मान होंगे, जितने मान होंगे वो मुख्य हल में आएंगे, ठीक। और जीरो से लेकर मतलब चाहे जितना मान हो उसके बाद जीरो टू पाई के बीच के मान और अन्य मान सब व्यापक हल में आते हैं, किस में आते हैं, व्यापक हल में आते हैं। तो मुख्य हल में हमें क्या करना है, एक्स का मान जीरो टू पाई के बीच में देना है, व्यापक हल में क्या करना है, व्यापक हल में ढेर सारा मान दे सकते हैं हम, ठीक। और व्यापक हल त्रिकोणमितीय समीकरण के अनेक हल होते ही है, त्रिकोणमितीय समीकरण के अनेक हल होते हैं। जैसे यही मैं समझा रहा हूँ, साइन साठ अंश का मान करते साइन साठ को 360, साठ अंश का मान होता है करीब 3/2, फिर साइन 360 में 60 जुड़िए फिर कितना आएगा, इसका भी मान कितना होगा करीब 3/2, फिर साइन 2 × 360 फिर 60 करिए फिर आएगा करीब 3/2, मतलब ऐसे ही ढेर सारा मान प्राप्त होगा, ठीक। तो जो मान 0 और 360 के बीच में होगा उसको मुख्य हल कहेंगे, और बाकी सब जो ढेर सारा मान सब होता है व्यापक हल में लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो है व्यापक हल या मुख्य हल ज्ञात करने के लिए कुछ हम जो है यहाँ पे सूत्र लिख दे रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए और उसी का प्रयोग करके मुख्य हल और व्यापक हल निकाला जाता है, ठीक है। साइन यदि साइन एक्स बराबर 0 तब एक्स बराबर एन पाई होता है, कॉस एक्स बराबर 0 तब एक्स बराबर कितना होता है 2n + 1 π/2 लिखेंगे, टैन एक्स बराबर 0 होगा तब क्या लिखेंगे एक्स बराबर एन पाई। दूसरा सूत्र है यदि साइन एक्स बराबर साइन अल्फा तब एक्स बराबर होता है एन पाई प्लस माइनस ए करते एन अल्फा, ठीक। और कास एक्स बराबर अगर कास अल्फा होगा तब हम लोग क्या करेंगे एक्स बराबर लिखेंगे 2n π + -α, और टैन एक्स बराबर होगा टैन अल्फा, तो तब हम लोग क्या लिखते हैं एक्स बराबर लिखते हैं एन पाई प्लस अल्फा। तीसरा प्रकार सूत्र यदि साइन एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, और कास स्क्वायर एक्स बराबर होगा कास स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, इन तीनों के लिए एक्स बराबर होता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। अब इन्हीं सूत्र का उपयोग करके हम आज का एक्सरसाइज करेंगे, उसको ध्यान से देखिए। चलिए हाँ, पहला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। हमें मुख्य हल भी ज्ञात करना है और व्यापक हल भी ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला लेते हैं टेन एक्स बराबर अंडर थ्री। हल करने से पहले चतुर्थांश बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हर प्रश्न में चतुर्थांश बनाओ, इसमें ए इसमें एस इसमें टी इसमें सी, ठीक। चतुर्थांश बनाने के बाद दो बात का ध्यान, अगर किसी कोण को दूसरे कोण में मतलब दूसरे चतुर्थांश में भेजना है तो पाई माइनस का यूज करो, और इस कोण को अगर तीसरे चतुर्थांश में भेजना है तो पाई प्लस का यूज करो, और इस कोण को अगर चौथे में भेजना है तो 2π - का यूज करो। अभी सब यूज करेंगे सब समझ में आ जाएगा कैसे यूज करना है, ठीक। अच्छा, मुख्य हल क्या होता है, जीरो से तीन मतलब जीरो से 360 के बीच में जो हल प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे मुख्य हल। अब ये तो हम लिख लिए टेन एक्स बराबर कितना है अंडर रूट थ्री, क्या है अंडर रूट थ्री, ये धन है, तो टेन किसमें धन होता है, एक तो इसमें सभी धन होते हैं इसमें निशान लगा लिए, और टेन कहाँ धन होता है यहाँ पर धन होता है, ठीक। ध्यान से देखिए प्रश्न को देखिए,
ये धन है तो हमें क्या बात क्या ध्यान देना है या किसमें धन होता है, पहले में सभी धन होते हैं तीसरे में, ठीक है। चलो टेन एक्स बराबर हम लोग लिखते हैं, ये 60 अंश का मान होता है, 60 अंश का मतलब पाई बटा थ्री, 60 अंश मान क्या होता है पाई बटा थ्री, इसको हम लोग लिखेंगे टेन पाई बटा थ्री। और बताओ और कर्डिंग तीन किसका मान होगा, कैसे पता करेंगे और किसका होगा, इसको जो है हम लोग तीसरे में भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं तीसरे, इस पाई बटे थ्री को तीसरे में कैसे भेजा जाता है, देखो पाई प्लस थ्री, टेन पाई प्लस पाई बटा थ्री, देखो हम बताए ना कैसे भेजना है, पहले में मान प्राप्त करो उसको तीसरे में भेजना है पाई प्लस, दूसरे में भेजना था पाई माइनस, चौथे में भेजना था टू पाई माइनस, ठीक, तो पाई प्लस इसको सरल करो, टेन एक्स बराबर टेन पाई बटा थ्री बराबर टेन तीन कम तीन चार पाई बटा थ्री, तो एक्स तुलना से एक्स कर कितना है, तुलना करने पर एक्स बराबर कितना हो जाएगा पाई बटा तीन कामा फोर पाई बटा तीन, तो मुख्य हल तो यही हो जाएगा, मुख्य हल पाई बटा थ्री और फोर पाई बटा थ्री। व्यापक हल क्या होगा, टेन का व्यापक, टेन के लिए व्यापक क्या होता है एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा जो पहला मान होता है उसको लेते हैं पाई बटा थ्री, यहाँ दो मान प्राप्त है पहला वाला लेंगे, ठीक है, ये मुख्य हल था और व्यापक हल, ठीक है। अभी हमें और सवाल बताएंगे ये सब क्लियर हो जाएगा किसको किसमें कैसे भेजना है, ठीक। अब हम दूसरा लगाते हैं, हम दूसरा हम क्या करना है ध्यान दें, दूसरा है सेक एक्स बराबर दो, सेक एक्स बराबर ये धन है, तो सेक किसमें धन होता है पहले निशान लगाओ, इसमें धन होता है और सेक किसमें धन होता है भैया, ए इसमें होता है, ये कास से ए एस टी सी आर साइन को से टेन काट कास से, कास के साथ से साइन के साथ को से टेन के साथ काट ए माने आर, तो से किसके किसके साथ धन होता है पहला में और चौथा में, तो दो दो का मान किस कितना, अरे से एक्स बराबर दो यहाँ पे एक्स का मान कितना होगा, 60 अंश का मान होता है से 60 अंश मतलब पाई बटा थ्री, ठीक, ये 60 अंश का मान है पहले में, तो हम इसको लिख लिए, इसको पहले ऐसे नहीं लिखें, पहले पता करें कई अंश का मान है, 60 अंश का मान है, 60 अंश को पहले में रखना है तो 60 ही रखेंगे, और चौथे में रखना है तो कैसे रखेंगे बताओ, 2π - 60 2π - π बटा थ्री कितना होगा, sec x बराबर sec पाई बटा थ्री, एक तीन छः में से क्या पाँच पाई बटा थ्री, तुलना से x बराबर हो जाएगा हमारा पाई बटा थ्री कामा पाँच पाई बटा थ्री, तो मुख्य हल कितना होगा, मुख्य हल हो जाएगा पाई बटा थ्री और पाँच पाई बटा थ्री माने 0 और 360 के बीच वाला मुख्य। व्यापक हल क्या होगा, व्यापक हल sec के लिए सूत्र क्या है, sec के लिए जो cos का होता है वही sec का होता है, जो tan का होता है वही cot का होता है, और जो sin का होता है वही cosec का होता है, तो sec के लिए वही cos वाला लगाओ 2n π + -α, अल्फा के स्थान पहला वाला मान लेते हैं, पहला हो गया ये। अब इसी प्रकार हम तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा क्या करना है ध्यान से देखिए, तीसरा क्या करना है, पाई माइनस तीसरा करना है काट एक्स बराबर माइनस अंडर रूट थ्री। अब इसमें क्या करना है ध्यान से देखो, यह काट एक्स माइनस अंडर रूट थ्री है, ये माइनस है तो हम ढूंढेंगे उसमें काट कहाँ रूट होता है, काट कहाँ रूट होता है, काट तो सिर्फ इसमें धन होता है और इसमें धन होता है, तो काट यहाँ पर रूट होता है और यहाँ पहले हम निशान लगा लेंगे हमें कोण को कहाँ भेजना है, काट एक्स बराबर माइनस अंडर टू है, माइनस है आप ना, तो हमें माइनस खोजना है काट किसमें डिड होता है, काट किसमें डिड होता है दूसरे में और चौथे में, ए एस टी सी ए माने आल पॉजिटिव, एस माने साइन कोसेक पॉजिटिव,
टी माने टेंट काट पॉजिटिव, सी माने कास्ट सिक पॉजिटिव, बाकी जो जिसमें पॉजिटिव उसको छोड़कर सब में नेगेटिव हुआ, ठीक है। इसमें टेंट काट पॉजिटिव है, इसमें साइन कास्ट सिक उससे सब ऋणात्मक है, इसमें साइन कुशिक धनात्मक है तो कास्ट टेन कार्ड से सब ऋणात्मक है, ये बात ध्यान देना है। तो कार्ड एक्स बराबर माइनस अंडर थ्री, कार्ड एक्स बराबर माइनस अंडर थ्री है, सबसे पहले अंडर थ्री हमें बात करना है अंडर थ्री के बारे में। तो कई अंश का मान अंडर थ्री होता है, तीस अंश का मान होता है अंडर थ्री, कार्ड तीस अंश का मान कितना होता है अंडर थ्री, इसको हमें दूसरा में भेजना है, इसमें और इसमें दूसरा भेजना है, क्या लिखेंगे काट पाई माइनस इक्स मान तीस अंश का, दूसरा कैसे भेजा जाता है पाई माइनस करके, यहाँ लिखिए चौथा हम कैसे भेजा जाता है बताओ, टू पाई काट टू पाई माइनस पाई बटा सिक्स ना। अच्छा ये पाई बटा सिक्स कहाँ से आता है, पहले इसमें मान निकाल लेते हैं तो उसके बाद जहाँ भेजना होता है वहाँ भेजते हैं, काट तीस अंश का मान होता है उसको दूसरे में भेजेंगे तो पाई माइनस और चौथे में भेजेंगे टू पाई माइनस। चलो काट एक्स बराबर हो जाएगा काट छप्पन छः पाँच पाई बटा छः बराबर काट छबी बारह छः ग्यारह पाई बटा छः, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा तुलना से पाँच पाई बटा छः और ग्यारह पाई बटा छः, तो मुख्य हल हो जाएगा पाँच पाई बटा छः ग्यारह पाई बटा छः और व्यापक हल क्या होगा एन पाई प्लस प्लस पहला वाला मान पाँच पाई बटा छः, ठीक है। व्यापक हल पहला वाला दिया था और कार्ड का व्यापक क्या होता है जो टेन का होता है, जो टेन का होता है, ठीक है। अगला है ध्यान से देखो, अगला है उसे कि एक्स बराबर माइनस अंडर चौथा है कोसेक एक्स बराबर माइनस टू, कोसेक एक्स बराबर माइनस टू, इसमें क्या है अच्छा ये ऋणात्मक है, कोसेक किसमें किसमें जुड़ होता है पहले निशान लगाइए, पहले हमें निशान लगाना है ध्यान से मिटा दिए, अब कोसेक किसमें किसमें जुड़ होता है, इसमें तो सभी धनात्मक होते हैं, इसमें साइन कोसेक धनात्मक, इसमें कोसेक धनात्मक, इसमें कोसेक धनात्मक, इसमें तो कोसेक ऋणात्मक, इसमें भी कोसेक ऋणात्मक, हमें चाहिए क्या ऋणात्मक चाहिए, ठीक है। चलो तीसरा में और चौथा में ये तो हमें पता हो गया, तो कैसे भेजना है, सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश उसका मान निकालते हैं, कई अंश का मान है तीस अंश का, उससे तीस अंश, तीस अंश को तीसरे में भेजो और चौथे में कैसे भेजेंगे, उससे एक्स बराबर उससे पाई बटा सिक्स किसमें भेजना है तीसरे में, या पाई माइनस पाई सिक्स पाई प्लस है और बराबर चौथे में कैसे भेजा जाएगा उससे टू पाई माइनस पाई बटा सिक्स ना, तो हो जाएगा उससे एक्स बराबर छः कम छः सात पाई बटा सिक्स बराबर उससे छबी बारह से ग्यारह पाई बटा सिक्स, एक्स बराबर हो जाएगा सात पाई बटा छः हमारा ग्यारह पाई बटा छः, एक्स का मान हो गया किसका मान हो गया एक्स का, तो मुख्य अंक क्या हो गया बताओ भाई, सात पाई बटा छः और ग्यारह पाई बटा छः, व्यापक हल क्या होगा जो साइन का होगा, साइन और कोसेक का व्यापक हल एक ही होता है एन पाई प्लस, एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस एक घाते एन ग्यारह पाई, अरे पहला वाला सात पाई बटा छः, ठीक हो गया। तो पहला तो पूरा हो गया, अब हम लोग जो है दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा क्या है, ये चतुर्थांश को ऐसे ही रहने देते हैं, चलो मिटाते हैं जरूरत पड़ेगा फिर लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, हाँ तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, वो पहला को पहला नहीं था, वो पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर हो गया, अब हम लोग पाँचवा सवाल जो है पाँचवा सवाल चलते हैं, पांचवा प्रश्न है हमारा वो है कास फोर एक्स बराबर कास टू एक्स, इसका व्यापक हल निकालना है, पांचवा छठवा सातवां आठवां नौवां तक का व्यापक हल निकालना है, सबसे पहले हम इसका व्यापक हल निकालते हैं,
देखो व्यापक हल कैसे निकलता है, ध्यान से देखो, यहाँ काश है, यहाँ काश है, बराबर है, ठीक है। अब हम लोग इसको तुरंत तुलना नहीं करेंगे, व्यापक हल का तुलना करने के लिए मैंने व्यापक हल के लिए हमें तुलना नहीं करना है, हमें सबसे पहले यहाँ व्यापक हल का जो मान है उसको प्रतिस्थापित करना है। तो हो जाएगा काश फोर एक्स, काश के लिए व्यापक होता है, काश होता है टू एन पाई प्लस माइनस टू एक्स, ऐसे होता है। देखो कैसे मैं किया, काश फोर एक्स है बराबर काश टू एक्स है, तो हमें क्या करना है, अब तुलना ऐसे ही नहीं करना है, सबसे पहले हमको इसमें व्यापक मान सेट करना है, काश टू एक्स को काश टू एन पाई प्लस माइनस टू एक्स लिखेंगे, फिर तुलना कर दो। तुलना करने पर ध्यान रहे, पहले व्यापक मान उसमें सेट करके, व्यापक हल वाला सूत्र सेट करके तब तुलना करना है। फोर एक्स बराबर हो जाएगा टू एन पाई प्लस माइनस टू एक्स। अब यहाँ से दो बात, पहला प्लस लेने पर, प्लस लेने पर प्लस लेंगे कितना आ जाएगा, चार एक्स बराबर टू एन पाई प्लस टू एक्स, चार एक्स माइनस टू एक्स बराबर टू एन पाई, टू एक्स बराबर टू एन पाई, दो दो खत्म एक्स बराबर एन पाई, यह हो गया आंसर एक। दूसरा इसमें क्या करना है, माइनस लेने पर माइनस लेंगे कितना आ जाएगा, चार एक्स बराबर टू एन पाई माइनस टू एक्स, यहाँ दो है ना, प्लस भी है माइनस, तो प्लस लेंगे तो माइनस वाला नहीं लिखेंगे, माइनस लेंगे तो प्लस वाला नहीं लिखेंगे, इसको इस साइड भेजो, चार एक्स प्लस टू एक्स बराबर टू एन पाई, छः एक्स बराबर टू एन पाई, एक्स बराबर हो जाएगा टू एन पाई बटा छः, एक्स बराबर एन पाई बटा, तो दो आंसर हो गया, एक यहाँ हो गया और एक। चलिए पाँचवा हो गया, अब हम लोग छठवा देखते हैं। हाँ अब देखो हमें इसका भी व्यापक हल निकालना है, इसमें क्या होगा, तीन एक चार, चार में दो का भाग देंगे दो, ही ट्रिक्स है पकड़ने का, तीन एक चार, चार में दो का भाग दो, दो दो यहाँ है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको का सी प्लस का डी का सूत्र लिखना है, का सी प्लस का डी बराबर होता है टू का सी प्लस डी बाई टू का सी माइनस डी बाई टू। चलो लगाते हैं, ए सी हो गया, ए डी हो गया, टू काश सी प्लस डी बाई टू काश सी माइनस डी बाई टू माइनस काश टू एक्स बराबर जीरो, ठीक है। टू काश तीन एक चार में दो का भाग देंगे, तीन एक चार दो का भाग देंगे दो एक्स, तीन एक्स में से एक एक्स, दो एक्स बटे दो एक्स माइनस काश टू एक्स बराबर जीरो। हमें अब क्या करना है, देखो काश टू एक्स दोनों में कॉमन ले लेंगे ना, काश टू एक्स कामन लेंगे कितना होगा, दो काश एक्स माइनस एक बराबर जीरो। अब अलग अलग से काश टू एक्स बराबर जीरो होगा, जब काश टू एक्स बराबर जीरो होगा तो इसका हम लोग लिखे हैं, जब काश एक्स जीरो होगा तो काश टू एक्स बराबर जीरो, तो हम लोग क्या बोले हैं, काश इसका पाई बटा दो होता है, अब ऐसे काश टू एक्स बराबर जीरो तो काश टू एक्स बराबर काश पाई बाई टू, ठीक। अब हम लोग क्या, हम क्या करेंगे ध्यान से देखो, या तो इसका डायरेक्ट सूत्र लिखवाए है काश एक्स बराबर जीरो, तो काश होता है टू एन प्लस वन पाई बटा टू, पाई बटा तुलना करो, तुलना करने पर तो टू एक्स बराबर हो जाएगा टू एन प्लस वन पाई बटा टू, एक्स बराबर हो जाएगा टू एन प्लस वन पाई बटा ए टू और दो दो दुना चार, आंसर हो गया। यहाँ देखो टू काश एक्स माइनस एक बराबर जीरो, टू काश एक्स माइनस बराबर एक, काश एक्स बराबर एक बटा दो, काश एक्स बराबर हो जाएगा किसका मान है, काश साठ अंश का, साठ अंश को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करना है, इसे व्यापक मान सेट करूँ, इसका काश एक्स बराबर काश टू एन पाई प्लस माइनस पाई बटा तुलना कर दूँ, एक्स बराबर हो जाएगा टू एन पाई प्लस माइनस पाई बटा थ्री। व्यापक में क्या होता है, एन का मान आप रखते जाइए, एन बराबर पूर्णांक होता है, क्या होता है पूर्णांक, जीरो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस रखते चले जाओगे ये मान आता चला जाएगा, ठीक है। तो वो छठा प्रश्न हम लोग हल कर लिए हैं और ध्यान से समझो,
हड़बड़ाहट नहीं, आराम आराम से, जैसे यहाँ पर हम क्या किए ये चाहते मैं इस तुलना करके एक्स बराबर पाई बटा थ्री लिख देता, लेकिन अगर एक्स बराबर पाई बटा थ्री लिख दूंगा तो हमें एक ही मान प्राप्त होगा। अब व्यापक हल में ढेर सारा मान प्राप्त करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले व्यापक मान देखा ध्यान से बच्ची, सतवां सवाल साइन टी एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर जीरो, इसका भी व्यापक हल निकालना है ना। हम लोग क्या करेंगे, टू साइन एक्स, इसका सूत्र लिखते हैं, साइन टू एक्स का सूत्र क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर जीरो। अब जैसे यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र तो लगा नहीं सकते, इसलिए हम इसको तोड़ दिए, टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर जीरो। कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए, कितना होगा, टू साइन एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ये क्या होगा, कॉस एक्स अलग अलग कर लीजिए, कॉस एक्स बराबर जीरो, कॉस एक्स बराबर जीरो है तो क्या होगा, कॉस इसका कॉस एक्स बराबर जीरो का सूत्र लिखवा है, टू एन प्लस वन पाई बाई टू, तुलना करो तो एक्स बराबर टू एन प्लस वन पाई बाई टू, एक तो हो गया है क्या, टू साइन एक्स प्लस वन बराबर जीरो, टू साइन एक्स बराबर माइनस एक, साइन एक्स बराबर जीरो बटा दो। अब देखो यहाँ पर रीड आ गया ना, अब हमें समझना पड़ेगा कि कैसे इसका मान निकाले, ये साइन तीस अंश का मान होता है एक बटा दो, साइन तीस अंश का मान एक बटा दो, और हमें रीड चाहिए फट से चतुर्थांश, तुरंत चतुर्थांश बनाइए, यहाँ क्या होता है पाई माइनस, यहाँ होता है पाई प्लस, यहाँ क्या होता है टू पाई माइनस, साइन किसमें रीड होता है चेक करो, साइन पहले में सभी धनात्मक, दूसरे में साइन धनात्मक होता है उसे, तीसरे और चौथे में साइन रीड होता है, तीसरे और चौथे में साइन क्या होता है होता है, तो हम एक ठू लेंगे जो पहला है, पहले का मतलब तीसरा चौथा से तीसरा को लेंगे, तो तीस अंश को तीसरे में भेजना है, तीस अंश को किस में भेजना है, तीसरे में, कैसे भेजेंगे ध्यान से, साइन एक्स बराबर साइन पाई प्लस, तीस अंश को कैसे लिखते हैं, पाई बटा सिक्स, साइन एक्स बराबर साइन सेकंड सेक सात पाई बाई सिक्स। अब देखो मुख्य मान तो निकालना नहीं है, हमें व्यापक मान निकालना है, हम लोग क्या करें, सिर्फ व्यापक मान सेट करिए, कैसे सेट करना है, साइन एक्स बराबर साइन एन पाई प्लस माइनस एक घाते एन और अल्फा के स्थान पर सात पाई बाई सिक्स, तुलना कर दो एक्स बराबर हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस एक घाते एन सेवन पाई बाई सिक्स, यह आंसर लग गया, ठीक है, सेक स्क्वायर टू एक्स बराबर वन माइनस टेन टू एक्स, टेन टू एक्स, इसका भी व्यापक हल निकालना है, हम लोग इसको क्या करें ध्यान से देखिए, यहाँ टेन टू एक्स है, इसको भी टेन में बदलते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर टू एक्स बराबर वन माइनस टेन टू एक्स, अब क्या होगा, प्लस एक वन साइड जाएगा माइनस एक कट जाएगा, ये टेन स्क्वायर टू एक्स इधर आएगा प्लस टेन टू एक्स बराबर जीरो। अब क्या करना है, टेन टू एक्स कॉमन ले लेंगे, टेन टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो, बारी बारी से लीजिए, टेन टू एक्स बराबर जीरो, टेन टू एक्स बराबर टेन, अब देखो टेन टू एक्स बराबर जीरो है तो टेन होता है व्यापक मान, इसका एन पाई क्या होता है एन पाई, इसका सूत्र लिखवा है, देखो क्या सूत्र लिखवा है, साइन एक्स बराबर जीरो तब एक्स बराबर एन पाई लिखवाए थे, कॉस एक्स बराबर जीरो तब एक्स बराबर होता है टू एन प्लस वन पाई बाई टू लिखवाए थे ना, टेन एक्स बराबर जीरो तब एक्स बराबर क्या होता है एन पाई, तो टेन एक्स बराबर जीरो तो एक्स बराबर कितना एन पाई, टेन टू एक्स बराबर जीरो टेन टू एक्स बराबर टेन एन पाई, टू एक्स बराबर एन पाई, एक्स बराबर हो जाएगा एन पाई अपन, इसको भी देखो ध्यान से, टेन टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो, टेन टू एक्स बराबर माइनस वन, टेन टू एक्स बराबर टेन इक्स का मान होता है, इसको चेक करें चतुर्थांश से, ए एस टी सी, टेन पैंतालीस अंश का होता है, अरिड है, रिड किसमें होता है इसमें, और टेन किसमें किसमें रिड होता है इसमें,
तो इसको दूसरा में भेजना है, 45 को किस में भेजना है, दूसरा में। कैसे भेजते हैं, पाई माइनस पाई बाई फोर, पाई बाई फोर माने 45। तो टैन 2x बराबर टैन 4 एकम 4 में सिक्का 3 पाई बटा 4। इसमें व्यापक मान लगाओ, व्यापक मान कैसे लगता है, n पाई प्लस ऐसे तुलना करो, 2x बराबर n पाई प्लस 3 पाई बटा 4। x बराबर जब करेंगे तो यहाँ 2 यहाँ 8, x बराबर जब करेंगे क्या होगा, n पाई बटा 2 प्लस 3 पाई बटा 8। लिख लेना, जगह नहीं हम नहीं लिख पा रहे हैं, x बराबर n पाई बटा 2 प्लस 3 पाई बटा 8। ठीक है, चलो और लास्ट सवाल है, नवा प्रश्न क्या है, वो साइन x प्लस साइन 3x, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बराबर 0। ठीक है, अब इसमें इसको कैसे लगाना है, 5 एक 6x, 5 एक 6x और मैं 2 का भाग देंगे 3x आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 1 को एक पास रखते हैं और इसको यहाँ 5 एक साइन 5 एक्स प्लस एक्स प्लस साइन 3x बराबर 0। अब इसको क्या करते हैं, साइन सी प्लस डी के सूत्र लगाते हैं, तो साइन 5 एक्स प्लस एक्स बटे 2। ठीक, और कास 5 एक्स माइनस एक्स बटे 2, यहाँ सूत्र लिखे हैं साइन सी ए डी, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कास सी बाई डी बाई 2, अब प्लस साइन 3x बराबर 0। कितना होगा ध्यान से देखिए, 5 एक 6 में 2 का भाग देंगे 3x, 3 5 6 का 4 में 2 का भाग देंगे 2x। ठीक, साइन 3x का मान लेते हैं 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। बारी बारी से करते हैं हम, साइन 3x बराबर 0, साइन 3x बराबर साइन एन पाई, यहाँ पर लिखे साइन एक्स बराबर 0 तो एक्स बराबर एन पाई, साइन एक्स बराबर 0 तो साइन एक्स बराबर क्या था, साइन एन पाई। तुलना करो, तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर एन पाई, यहाँ लिखो तुलना करने पर x बराबर एन पाई बटा 3। इसको काटना नहीं है, बहुत लोग काट देते हैं ऐसे, तुलना करना है, 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0, 2 cos 2x बराबर माइनस 1, cos 2x बराबर माइनस 1 अपान 2, cos 2x बराबर, अब इसको पता करो किस चतुर्थांश में कहा जाएगा, cos किसमें किसमें रीड होता है, इसमें रीड होता है इसमें। ठीक, तो 2x है और यहाँ एक बटा 2 है तो 60 अंश का मान होता है, कैसे मान होता है, 60 अंश का मान होता है। इसको दूसरे चतुर्थ 60 को दूसरे में भेजो, cos कैसे भेजा जाता है, पाई माइनस पाई बटा 3, पाई बटा 3 माने क्या होता है 60, पाई बटा 3 माने 60। तो cos 2x बराबर 3 का 3 में से एक निकला 2, 2 पाई बटा 3। ठीक है, अब व्यापक मान उसमें लगाओ, इसलिए हमें आप लिख दे रहे हैं cos 2x बराबर cos, व्यापक मान इसमें लगाओ 2n पाई प्लस, cos के लिए व्यापक मान क्या है 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बटे 3। ठीक है, अब क्या करना है, तुलना कर दो, 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बटा 3, x बराबर 2 सब में से कट जाएगा, या 2n पाई अपान 2 प्लस माइनस 2 पाई अपान 3 ले दो, 2 2 से कट गया, यहाँ करें x बराबर कितना है n पाई प्लस माइनस पाई बटा 3, ये आंसर हो गया।